हेलो गाइस, यार अपना आ चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ। बेसिकली आपको पता है कि दिवाली का मौसम चल रहा है, मींस दिवाली का फेस्टिवल चल रहा है, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से पटाखे जलाते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं। तो उसी तरह से गाइस, अपन भी एक हैंडमेड गन बनाने वाले हैं जो कि बारूद से और अपने घरेलू इन सारी चीजों से बनेगी। तो गाइस बेसिकली इन सब में अपन क्या करेंगे कि ये अपने पास कुछ चीजें हैं जिसके साथ अपन गन बनाने वाले हैं। तो गाइज बेसिकली अपने पास क्या क्या चीज है वो आप देख लीजिए। अपने पास पहले तो है एक लकड़ी, जो कि मीन्स आपको कोई सी भी छोटी सी लकड़ी, छोटी सी मीन्स आप देख रहे हो ये मेरे हाथ तक इतनी आ रही है, मीन्स समझो ना आपकी 2 फुट या फिर 1.5 फुट है, ये 2 फुट हो, मिनिमम 2 फुट की लकड़ी है, ठीक है। फिर अपने पास चाहिए एक चाकू या फिर कोई भी कटर वगैरह आपके पास जो भी हो अवेलेबल, ठीक है। और ये साइकिल का जो या किसी भी ट्यूब का जो होता है ना, वो ट्यूब के कुछ हमने स्ट्रिप्स काट लिए, ये स्ट्रिप्स है ट्यूब की। और ये है साइकिल के जो हवा भरने वाला वाल होता है, वो उसको हमने पूरा अंदर से उखेड़ दिया। ये पूरा वही सिस्टम है, देख सकते हो आप गाइस कि ये पूरा वही वाला सिस्टम है साइकिल के अंदर का वाल, ठीक है। और ये है एक सुई, जो बड़ी वाली सुई है गाइस, आप देख सकते हो ये गाइस बड़ी वाली सुई है, ठीक है। और ये एक जो बॉल पेन होती है, अपनी पेन होती है, पेन का कवर है, कवर ऊपर का जो कवर था ना, पेन के अंदर जो रिफिल आती है उसको निकाल दिए है और हमने इसको पूरा इधर से इधर देखने लायक कर दिया, देख रहे हो तुम, पूरा देखने लायक कर दिया, जिसकी ये इसके अंदर जाएगा और ऐसे ही जम से डन हो जाएगा, ठीक है अपना काम। और अपने पास एक और है ये ब्लैक टेप, जिसका काम तो पड़ना ही है, और कुछ रबड़ है अपने पास, ये देख सकते हो आप। और एक है अपने पास है कील, छोटी सी कील है। और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो है बोल्ट। बोल्ट आप इसे थोड़ा सा बड़ा भी लोगे तो चलेगा, मेरे साथ बड़ा थोड़ा ठीक रहेगा, हमको यही मिला तो हमने यही कर रहे हैं। तो गाइस चलिए फिर देखते हैं ये गन किस तरह से बनती है, लेट्स गो। तो गाइस अपन आ चुके हैं गन को बनाने के लिए। अपन सबसे पहले एक लकड़ी लेंगे और फिर लकड़ी के ऊपर वो वाल जो अपने हमने बताया था वो रख लेंगे। और इसके बाद जो हमने साइकिल के ट्यूब की जो हमने स्ट्रिप काटी थी वो उसके ऊपर लपेटेंगे, जिसकी वजह से उसकी पकड़ मजबूत बन जाएगा गाइस। तो अपन बेसिकली इसको पूरे से एकदम टाइटली कर देना आपको गाइस, एकदम से लूज नहीं होने देना, नहीं तो जब वो फटेगा तब वो हिल सकता है और फिर ख़राब हो सकता है। तो पूरे एकदम टाइट से उसको बांध देगा गाइस, एकदम टाइटली, ठीक है। ये मैं उसको गाड़ देने के लिए कर रहा हूँ। तो गाइस अपने को वो बोल्ट ले लेना है और उसको वाल के सही ऊपर से लगा देना है, उसको सही से रखना है, आपको एकदम सही से रखना है। देख लीजिए मैं किस तरह से लगा रहा हूँ उसको। और फिर उस बोल्ट को भी गाइस ट्यूब की स्ट्रिप से टाइटली बांध देना है, एकदम टाइटली बांधना, जिसकी वजह से वो हिले ना। स्पेशली गाइस बोल्ट और वाल को तो स्पेशली आपको टाइट बांधना ही है, एकदम बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए वो। तो आप जितना टाइट बांध सकते हो उतना टाइट उसको बांध ले और एकदम से फिक्स कर ले कि वो हिले ना, ठीक है गाइस। तो गाइस मैं उस सुई से उसके ऊपर गार्ड लगा रहा हूँ एकदम सही से, जिसकी वजह से वो कुछ भी मूवमेंट ना कर पाए। तो गाइस अपना ये काम तो हो गया, आप देख सकते हो एकदम टाइटली दोनों ही बांध चुके हैं अपन इन दोनों को। तो गाइस अभी अपने को लेना है बॉल पेन का खाली सेल माने कवर। तो फिर उसको डायरेक्टली गाइस जो वो दोनों ही ऊपर और नीचे की साइड से खुला होना चाहिए, उसको भी जस्ट उस बोल्ट के पीछे लगा दे और उसको भी अपने को करना है एकदम फिक्स। तो अपन गाइस रबर बैंड से उसको एकदम फिक्स कर लेते हैं, तो जितना हो सके उतना उसको फिक्स करना है, जितना हो सके उतना, ठीक है। उसको रबर बैंड जितने बांध सको उतने बांधो, एकदम टाइटली उसको फिक्स कर दो। गाइस आप जैसे तो हमने इस पे बहुत सारे रबर बैंड बांध दिए हैं, जिसकी वजह से वो एकदम फिक्स हो जाए, बिल्कुल भी ना हिले। तो गाइस अब आ रही है अपनी उस सुई की, जो एकदम बड़ी वाली सुई है। तो उसको अपन को क्या करना है कि रबड़ लेना है, और रबड़ को क्या करना है गाइस कि सुई का जो हम जिसमें धागा पिरोते उसी तरह उस रबड़ को भी पिरो दे और उस पर गांठ लगा दे। रबड़ को तोड़ना नहीं है, वो ऐसे मुड़ा हुआ जब जो राउंड रबड़ है उसी को लगा दे गांठ। और फिर क्या करना है गाइस, रबड़ के पीछे एक रबड़ दो रबड़ और उसको जोड़ देना है। आपको पता है हम लोग ऐसे करते रहते हैं बचपन में बहुत टाइम, तो वैसा ही कर दीजिएगा इसको। और फिर डाल दीजिए इसके अंदर। और गाइस जो अपनी कील थी उसको क्या करना है कि जो लकड़ी के नीचे वाला हिस्सा है उसके उस पर डाल देना है, जिसकी वजह से रबड़ वहाँ पर ठहर सके। तो हम देख रहे हैं अब इस रबड़ को अपन वहाँ कील पे लगा रहे हैं, देख लीजिए आप, मैंने इसको लगा दिया है गाइस, उसको कील पे लगा दिया, एकदम फिक्स कर दिया, आप देख सकते हो, ठीक है ना गाइस, ये आप देख सकते हो। और अभी ये पूरा ही बैंड
जो अपना गन है वो तैयार हो चुका है। और गाइस अभी इस पे अपन टेप बांध देते हैं ब्लैक वाले, जिसकी वजह से ये वाला पूरा ही भाग एकदम टाइट हो जाए, सारे भाग इसके टाइट हो जाए, सब एकदम सब पे नहीं, जो ऊपर वाला हिस्सा है उस पर टाइप नहीं लगानी है गाइस, सिर्फ जो अपने पेन का जो सेल है उसके ऊपर पेन वो लगानी है अपने को। और गाइस अपनी ये गन तैयार है, तो फाइनली गाइस अपनी ये हैंडमेड गन बन के तैयार हो चुकी है। गाइस जैसा कि आप सब लोग देख सकते हो कि ये गन बहुत ही सिंपल से दिख रही है, लेकिन इसका जो पटाखा है वो बहुत ही गजब से फटता है, और उसको बहुत जल्द आपको बताने वाला है कि वो किस तरह से फटता है, क्योंकि अभी तो नाइट नहीं है, नाइट में आपको अच्छा लगेगा, हम आपको वीडियो डायरेक्ट पॉज करके वहाँ नाइट में ले जाके आपको पटाखा फोड़ के बताएंगे। गाइज अगर आपको इसका मेथड देखना है कि किस वजह से ये फूटती है, हमने इसे क्या कर रहे हैं, तो हम आपको बता देते हैं कि किस वजह से फूट रही है। गाइज जो आप देख सकते हो कि इसमें अपने जो साइकिल का वाल लगाया था उसके अंदर जो ये वाला हिस्सा है उसके अंदर हम भर देंगे बारूद। अब बारूद आप किस में से लाओ, किसी पटाखे में से जो अपने सुतली बम आते हैं, जो अपने हाइड्रोजन बम वगैरह जो किसी ये बोलते हैं अपन लोग, जो अपने सुतली बम होते हैं वो, उसको तोड़ के उसके अंदर से आप बारूद निकाल सकते हो और वो इसके अंदर डाल दो आप। उसके बाद क्या होता है कि जो अपने बच्चों के जो अपनी वो टिकड़ी वाली गन आती है, जो टिकड़ियाँ नहीं आती, छोटी छोटी टिकड़ी सी आती है वो, इसको ये जो है ना ये वाला जो भाग है ना इसका, ये वाला भाग जहाँ पे हमने वो बोल्ट रखा था उसके बीच में लगाएंगे। मैं आपको क्लोज करके बता रहा हूं, तो आप इसके बीच में ये लगाएंगे और फिर जो ये वाली सुई है उसको ऐसे करके प्रेशर से, इसको प्रेशर से ऐसे छोड़ देंगे सीधा, वो यहां से टकराएगी, वो यहाँ से टकराएगी, ये बोल्ट उसमें से एकदम घर्षण वगैरह जो भी पैदा करेगा, क्या पता क्या करेगा, लेकिन वो यहाँ से उस टिकड़ी को फोड़ देगी और टिकड़ी फूटेगी, उसमें से चिंगारी निकलेगी और वो चिंगारी इस बारूद को फोड़ देगी, और बारूद को फूटते ही हो जाएगा बड़ा सा धमाका। अपन करने वाले टेस्टिंग, चलिए फिर आपको मिलते हैं सीधा नाइट में इस गन के साथ। तो क्या देख सकते हैं कि अब हम इसमें किस तरह से इसको बारूद भर रहे हैं, यहाँ देख लो इसके अंदर बारूद, अपने बारूद को भरना है अपने को, देख लो गाइस ये नाइट का टाइम है, अपन लोग बाहर आ चुके हैं क्योंकि घर पे या कहीं भी गली में इसको एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते क्योंकि रिस्की है गाइस, कुछ भी हो सकता है, तो हम इसको बाहर आके ही कुछ कर रहे हैं। आप भी ऐसा कुछ करें तो प्लीज़ कहीं खुले मैदान में आके कीजिएगा इस सबको। गाइस इसके अंदर आप देखो जगह ये रही, इसके अंदर अपन डालेंगे अपनी टिकड़ी, समझ रहे हो आप, ये देखिए टिकड़ी का जो वाला भाग है वो अपने डाल दिया इसके बीच में, इधर हाथ हटा, जब काम हो जाए तब इसको हाथ हाथ हटाना, हाँ रुक जा। अरे ये देखिए ये अपना इसका जो ट्रिगर समझ सकता है इसको, और ये बीच में टिकड़ी डाल दी है इसके बीच में, और ये है क्या इसके अंदर, ये है वाल, वाल के अंदर है पूरी बारूद, और बारूद को इसके ऊपर कोई सा भी ढक लगाओ, पेपर भी आप डाल सकते हो गाइस, ठीक है। तो चलिए फिर इसको भी फोड़ते हैं, आई होप कि आपको ये वीडियो आई होगी पसंद। इसको बनाने का श्रेय ये आई आपको बता दूं कि ये गन मैंने नहीं बनाई है, ये गन जो यहाँ पे बना रहा था तो उसको बनाने का श्रेय मैं पूरा उसको दूंगा, उसका नाम है सज्जन, और उसी को अपन ये पूरी गन का श्रेय देना चाहेंगे क्योंकि ये गन, वो भी हमारा ग्रुप का मेंबर है, तो हमारे मेंबर्स में सबके पास दिमागी खुराफाती दिमाग है, तो सर कुछ अलग अलग करते रहते लोग, हम लोग तो उसी हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमको जरूर बताना।